ओ माय गॉड, ये कितनी फनी थी। मतलब हंस हंस के चीक्स में दर्द यार हो वो गया। तो बहुत ही फजूल किस्म की हाँ, एक्टिंग कर रहे वो हैं जैसे मामा बता रहा पापा है फजूल सारे सारे, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ना और कि वो खा रहे होते हैं उसको। और मैं थी, ये मैंने क्या देखा, मैंने क्यों देखा है। नहीं हाँ, बनानी ये दिन बाद में याद नहीं करने हमने, ये वाले दिन नहीं। डॉक्टर तारिका और दया का कुछ चल रहा होता नहीं, था। डॉक्टर तारिका और अभिजीत का, हाँ अभिजीत हाँ का चल रहा रिलेशन होता था, कुछ ऐसा। रिलेशनशिप चल रहा होता था। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ उषा तारिक और मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी, और अरे आज हम देखने वाले हैं अभिषेक की वीडियो स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा मुझे लगता है ऐसा मोस्टली लोगों को बहुत हाँ, पसंद आती है ऐसी अभिषेक वीडियोस। उपमन्यु जो है ना, वो इतना, ये वीडियो इतनी वायरल गई थी जब ये आई थी, इतनी वायरल गई थी, सब लोगों ने इसको 100 100 दफा देखा था। बहुत मजे की वीडियो थी। लेकिन मैं पहली बार देख रही हाँ, तुमने हूँ, अभी तक अभिषेक उपमन्यु की कोई वीडियो नहीं देखी? नहीं पहली बार यार देख रही इतना हूँ। बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा इंडिया की कौन कौन से उनकी देखी हुई है? मैंने कम लोगों की देखी है, अभिषेक की देखी हुई है, बिग बॉस के बाद से मैंने मुनव्वर को बहुत मुनव्वर देखा हुआ है। फारूकी, हाँ मुनव्वर फारूकी की इन देखी हुई लोगों है। की मैंने देखी हुई है। बस्सी की देखी हुई है? बस्सी की एक दो वीडियोस देखी हुई है, वो बस उसकी मीम्स बहुत हिट हाँ होती हैं तो हाँ उस वजह से मैंने और वो काफी देखी हुई है। जाकिर की जाकिर की देखी हुई देखी है, हुई है, हाँ और मैंने तो खैर बहुत ज्यादा, मैंने लेकिन ये तो फर्स्ट बहुत है। ज्यादा देखी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और अच्छा वीडियो जो है उसका टाइटल है अभिषेक उपमन्यु फ्रेंड्स क्राइम एंड द कॉस्मोस। तो ये स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो भी हमने बोला होगा, जो भी हमारा रिएक्शन होगा, वो वो वीडियो के हम एंड पे लास्ट में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अभिषेक उपमन्यु बेइज्जती लगती है सबको। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहां मेट्रो बन रही है इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है, मेट्रो बन तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के, ऊपर से मैं दिल्ली था, मुझे मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं क्या, मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहां ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा, स्नैक सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गान के नीचे। ओ और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त भी ले गया था, और बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा चलना, मैं क्यों? कह रहा यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आ जा आ जा आ जा, जा, जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं वैसे लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज, वहां चबा रहा हूं मैं अभी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील्म रहता है, क्या करता है ये दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंसती है, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने होते पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकत थी, वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे, and she's like, ओए कोई मोमेंट बना। मतलब के रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कहा होते हैं
क्या तो बना थी? मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से माउंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। Because you're not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। कहा पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टेरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड बुला ही नहीं बोलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ यार। आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखते रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया कि फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली, ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है। क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको फोन सा एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, सीआईडी वाले का स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है आपको। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं, इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पहले उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों खड़ा करो यहाँ लाइन में, अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, निकाल लिए दिखाओ जरा इधर। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम वो मर्डर? कह रहा मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। ये बताइए ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस ही गांडी फट के क्या करेंगे? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता इन्होंने क्या किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो सबको यार, निकालो सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम वो मर्डर? मैं तो नहीं हूं। क्या तार तुम ही हो ना? मैं ही हूं। क्यों पता है क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसी सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा, उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके, उसे पता था मतलब। और इसका पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। सच में उसको देख के सोच रहा था मैं, हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं गए? हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के, हमारी नहीं पप्पियां चप्पियां चल रही, लड़ाइयां चल रही उल्टा। ये को टाइम आउट ने कहा आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं
उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी, और पहले तुम्हारे बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो गए, मैं सो जा आप यार। क्या कर रहे आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ, जाओ बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। उसमें दिखाया कि उसका बाप सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चद्दर लेकर उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में, बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और उसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है, क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, वो जो बोलेंगे बाप में उन्हीं को शर्म आएगी। पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है एक, एपिसोड बनाने हैं दो, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गेस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले पता चला था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है, उन्हीं में गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रहेगी, अब इसकी बीवी का पड़ोसन छेड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर? नहीं बहन जी, देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप, बस चलो बेटा। बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केस दिखाते हैं, सॉल्ट केस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। That's Junior. बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने मनुष्य सो नहीं आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, मेरे सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना। मैं पार्टी जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहे हैं, सुरक्षित रहे हैं। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन, तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना? बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे, वो अजीब नहीं, वो तो शुक्र है, बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन जो कि एक गैलेक्सी बनेगी, ऐसे बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब बच्चे एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहन दो फिर। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का।
और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आप देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना है बैठ के। उसमें स्टार्स को बताते कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को साल लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फटके मर चुका है, वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी या नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे मरी, मैं फट के। ओह माय गॉड, ये कितनी फनी थी, मतलब हंस हंस के चीक्स में दर्द हो गया। सही बता दिया, क्राइम पेट्रोल क्या है? हाँ बाकी ऐसा है, क्राइम पेट्रोल और CID हम CID। लोग जब हाँ। मैं छोटी होती थी ना, मैं मेरे नाना अबू को CID देखने का इतना क्रेज था, इतना क्रेज था। एक वो था अभिजीत था उसमें, और एक दया था, अभिजीत दया और उनके एक सर होते थे तारिका। वो भी होते डॉक्टर तारिका और दया का कुछ चल रहा होता था, डॉक्टर तारिका और अभिजीत का, हाँ अभिजीत का चल रहा होता था, रिलेशनशिप चल रहा होता था। तो वो मेरे नाना अबू ना देख रहे होते थे, केस सॉल्व हो रहे हैं और मर्डर मिस्ट्री है, कभी कुछ हो रहा है, और वो निकलता था एंड में कोई आसपास का ही बंदा निकलता था जो पूरी एपिसोड में होता था। हाँ। और मैं देख रही होती थी, मेरा एक और कजन देख रहा होता था, हम छोटे छोटे ना हम लोग देख रहे होते थे, और वो सोनी टीवी पे आता था, और वो कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 घंटे चल रहा है, 4-4 घंटे चलता था, जब कुछ भी नहीं था होता ना वो लगा देते थे, और हम लोग ऐसे पागल थे, हम लोग देखते थे। और वो ऐसी एपिसोड होती है, एक दो बार थोड़ा सा भी देख लिया ना, एंड देख के बगैर आप नहीं उठ सकते। और कुछ एपिसोड पता नहीं ऐसी थी CID की, वो एपिसोड 1.5-1.5 घंटे की थी, मतलब एपिसोड ही लंबी बनाई होती थी, चल रही है और पता नहीं क्या भाग रहे हैं, यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अच्छा एज कम्पेयर टू मतलब क्राइम पेट्रोल के साथ एकदम CID को कंपेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है CID थोड़ा वो होता है कि थोड़ी कहानियां बनाई हुई होती हैं, क्राइम पेट्रोल में थोड़ा सच लग रहा होता लेकिन है। देखो CID में ना बेशक कहानियां बनाई हुई है, लेकिन CID में एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। अभिजीत हो गया, वो सब अच्छे एक्ट्रेस थे, और वो एक्टिंग जो करते थे ना, जब दया थप्पड़ मारता था या वो दरवाजा तोड़ता था, तो फिर वो होता था कि भाई वो फुल पावरफुल और ऐसा वो लग। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम उसको देखें ना, वो जो है क्राइम पेट्रोल, वो सब इतनी एक्टर्स होते हैं, इतनी गंदी एक्टिंग वो करते थे यार। और वो मतलब वो जो एपिसोड्स में बाकी एक्टर्स होते हैं ना, तो पुलिस के अलावा बाकी ज्यादा फजूल होते हैं, वो बहुत ही फजूल किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं फजूल सारे। इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया ना कि अब बताने की जरूरत नहीं है क्राइम पेट्रोल क्या है। तो मुझे तो भाई क्राइम पेट्रोल मैंने बहुत कम देखा हुआ है, और क्राइम पेट्रोल ना डार्क बहुत ज्यादा था, उसके बाकी वो जो केसेस थे वो असल थे तो वो बहुत डार्क था। एक पता नहीं, मैं एक क्राइम पेट्रोल की मैं एक एपिसोड देख रही थी, और घर में शायद कोई था नहीं, और उसमें ये था कि वो एक फैमिली रह रही होती है, और उनका एक कैरेक्टर होता है, वो पता नहीं गुम हो जाता है, बाद में पता लगता है कि उसको काट काट के फ्रिज में रखा हुआ होता है उसकी, यानी कि कोई लेडी ने वहीं की, और वो खा रहे होते हैं उसको। और मैं थी ये मैंने क्या देखा, मैंने क्यों देखा है। और ऐसे एपिसोड्स देखने के बाद वाकई ऐसा होता है कि 2-3 दिन वो चीज आपके माइंड में स्टक। और मैं थी भी, मैं वो छोटी थी और मेरे दिमाग में घूमती रही वो चीज 2-3 दिन। मैंने कहा भाई क्राइम पेट्रोल ऐसी मेमोरी नहीं बना, ये दिन बाद में याद नहीं करने हमने, ये वाले दिन नहीं। लेकिन CID मैंने जब भी देखा है ना, तो मुझे हमेशा मजा आया। अच्छा है वो भी। और कॉस्मो की इन्होंने जब बात की यूनिवर्स के बारे में कि अगर इतना है ढूंढने को, तो रेंडम बस खत्म, तो रेंडम दो इसमें मीम्स बहुत वायरल हुए थे, एक ये तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं, और दूसरा तो रेंडम, ये मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुए थे अभिषेक। वैसे तुमने फर्स्ट टाइम देखा कैसा लगा? हाँ अच्छा था, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी थी कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, वो कह रही मुझे मेमोरी ब्रा, मैंने कहा ओके गाड़ी ठोक दे, तो ये लड़की क्या कितना प्यारा ICU था, कितना प्यारा वो एक्सीडेंट था, वो बड़ी मजे की वीडियो। लेकिन यार लड़कियों का ये होता है, जैसे कहा भी, लड़की ने कहा भी था कि अगर तुम बात नहीं करोगे
तो फिर मैं याद नहीं रहेगा। तो उसने सिंपल बोला बात कर ले या पिक्चर ले लो या कोई बात कर लो या कोई ऐसी बात कर लो कि थोड़ा याद रखे। अच्छा, एक लिहाज से लड़की ठीक है, सही थी, होता है, ऐसे होना चाहिए। अगर वो चुप करके चला रहा है तो हाँ यार मेमोरी बनाओ, ठोक दो गाड़ी। खैर, ओवरऑल वीडियो बहुत मजे की थी और ये मेरी अभिषेक उपमन्यु की फेवरेट वीडियो थी, इसलिए हमने देखी है। नेक्स्ट टाइम और वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन ये जो मेरी सबसे टॉप फेवरेट थी वो ये वाली वीडियो मैंने देखी हुई थी, ईशा ने नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, आई थिंक मैंने एक साल पहले देखी थी तो मुझे भी इतनी ज्यादा याद नहीं थी। आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।